आईपीएल 2021 में सीएसके टीम के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएई लेग के पहले मैच में उन्होंने मुंबई के खिलाफ अपनी टीम के लिए नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी और फिर दूसरे मैच में आरसीबी के खिलाफ बेहद रीन शुरुआत करते हुए टीम के लिए अहम 38 रन बनाए थे। ऋतुराज आउट होने से पहले डुप्लेसिस के साथ मिलकर पहले विकेट से लिए 71 रन की साझेदारी की थी और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। टीम को इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ था और सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। इस जीत के बाद सीएसके अंक तालिका में पहले नंबर पर भी पहुंच गई है। आरसीबी के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड काफी अच्छी लय में थे और बेहतर पारी खेल रहे थे। उन्होंने 26 गेंदों पर एक छक्का और 4 बेहतरीन चौके की मदद से 38 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी का अंक युजवेंद्र चहल ने किया और विराट कोहली ने उनका कैच पकड़ लिया। अपनी 38 रन की पारी के दम पर ऋतुराज ने एक अहम कामयाबी आईपीएल में हासिल कर ली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऋतुराज ने आईपीएल की अपनी पहली 15 पारियों में अब तक कुल 526 रन बनाए हैं और उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की पहली 15 पारियों में 495 रन बनाए थे। ऋतुराज ने रोहित को पीछे छोड़ दिया और दूसरे नंबर पर आ गए, जबकि हिटमैन अब तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। आईपीएल की शुरुआती 15 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड गौतम गंभीर के नाम पर दर्ज है। आईपीएल की 15 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 6 भारतीय बल्लेबाज 549 रन बनाकर गौतम गंभीर पहले स्थान पर हैं। इनके बाद 526 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड हैं, फिर 495 रन बनाकर रोहित शर्मा हैं और देवदत्त पड़िक्कल ने 473 रन बनाए। इसके बाद 464 रन पाल वालथेडी ने बनाए हैं और 550 रन बनाकर इसके बाद एमएस धोनी आते हैं। साथ ही आईपीएल के 14वें सीजन के लिए प्लेऑफ की रेस हर रोज दिलचस्प होती जा रही है। आधे से ज्यादा लीग मैच खेले जा चुके हैं। टॉप पोजीशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। एक मैच पहले दिल्ली ने चेन्नई को पहले स्थान से हटाया था, तो बैंगलोर को हराकर धोनी की टीम ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस समय सबसे ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने अपने 9 में से 7 मैच जीतकर टीम के खाते में 14 अंक किए हैं। दूसरे पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स है। इस टीम के पास भी चेन्नई के बराबर ही मैच खेलने के बाद इतने ही अंक है। नेट रन रेट में बेहतर होने की वजह से चेन्नई पहले और दिल्ली दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनी हुई है, जिसने अपने 9 मैचों में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और आरसीबी के खाते में इस समय कुल 10 अंक है। चौथे नंबर पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने कब्जा कर लिया है, जो अपने 9 में से 4 मुकाबले जीतने में सफल हुई है। केकेआर के खाते में 8 अंक हैं।